हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिलो। सीबीएलयू यूनिवर्सिटी की हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंच जाए, कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो डेट शीट आ गई है भाई आप सभी की। किन की आई है? तो पीजी स्टूडेंट्स की आ गई है, बी फार्मा की आ गई है, थर्ड सेम की डेट शीट, एमए इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, एमएसडब्ल्यू, एमजेएमसी, थर्ड सेम रीअपियर और मेन की डेट शीट आ गई है। इम्प्रूवमेंट वालों की भी है इसमें। एमएससी जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बोटनी, माइक्रो बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड एम फिल थर्ड सेम की डेट शीट है। एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस थर्ड सेम की डेट शीट आ गई है। ये एलएलएम थर्ड सेम की डेट शीट है। 9:30 से 12:30 बजे तक आपके एग्जाम होने हैं। 22 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और 12 अप्रैल को आपका एग्जाम खत्म होगा। बाकी आप सभी को दोनों मोड मिलने वाले हैं, जैसा कि ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोगों के एग्जाम बताए गए हैं। ये आपकी जो एमएससी है, 5-ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इसकी डेट शीट है और 9:30 से 12:30 बजे तक आपके एग्जाम होने वाले हैं। 22 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे और आपके जो लास्ट एग्जाम है वो है 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल को आपका जो एग्जाम है वो खत्म हो जाएगा। ये आपकी एमएससी की डेट शीट है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री 5-ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स वालों की। ये एमएससी जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड एम फील की डेट शीट है, जो कि सुबह का टाइमिंग 9:30 से 12:30 रहने वाला है। थर्ड सेम की डेट शीट है, 24 मार्च से आपके एग्जाम शुरू हैं जूलॉजी वालों के। उसके बाद आप लोगों का जो जूलॉजी का एग्जाम है 31 मार्च को खत्म होगा और 24 मार्च को आपका बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और 31 मार्च को खत्म होगा। 24 मार्च से आपका बोटनी का एग्जाम शुरू होगा और वो खत्म होगा। आपका डेट नहीं दी गई है, इस पेपर की डेट बाद में आएगी, जो कि आपका साइटोजेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग का जो एग्जाम है, लास्ट एग्जाम, उसकी डेट नहीं आई है। और लास्ट एग्जाम वैसे 31 मार्च को होने वाला है, फिर माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का जो एग्जाम है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, वो 24 मार्च से स्टार्ट होकर आपका जो लास्ट एग्जाम रहने वाला है वो 31 मार्च को रहने वाला है। साइकोलॉजी एमएससी वालों के 24 मार्च से स्टार्ट होके एग्जाम, जो लास्ट एग्जाम है 2 अप्रैल को खत्म होने वाला है। एम फार्मेसी का एग्जाम 29 मार्च से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और जो ओपन इलेक्टिव एग्जाम्स हैं वो 9 अप्रैल एंड 12 अप्रैल को होने वाले हैं, तो आप अपना ओपन इलेक्टिव भी देख लीजिएगा। ये जो डेट शीट है, एमए इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एमएसडब्ल्यू एंड एमजेएमसी वालों के लिए है। मॉर्निंग शिफ्ट 9:30 से 12:30 रहने वाली है। 22 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है एमए इंग्लिश वालों के और लास्ट एग्जाम 4 अप्रैल को होने वाला है। 22 मार्च से हिंदी वालों के एग्जाम स्टार्ट हैं और लास्ट एग्जाम 4 अप्रैल को रहने वाला है। एमए हिस्ट्री 22 मार्च से स्टार्ट होते हुए उनका जो लास्ट एग्जाम रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 4 अप्रैल को। उसके बाद 22 मार्च से पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम स्टार्ट है और 28 मार्च को नहीं, ये जो आपका लास्ट एग्जाम है ये 4 मार्च को खत्म होने वाला है। एमएसडब्ल्यू का 22 मार्च से स्टार्ट होगा एग्जाम और लास्ट एग्जाम आप लोगों का 30 मार्च रहने वाला है। एमजेएमसी का फर्स्ट एग्जाम 22 मार्च को स्टार्ट होकर लास्ट एग्जाम जो है वो रहने वाला है 6 अप्रैल को, और ओपन इलेक्टिव आपके 9 अप्रैल और 12 अप्रैल को रहने वाला है। सभी का एक साथ होने वाला है ये पेपर। ये आपकी डेट शीट बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों की रहने वाली है, मेन रीअपियर एंड इम्प्रूवमेंट, जो आपके एग्जाम है मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 से 12:30 रहने वाले हैं। 24 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट है और 31 मार्च तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। बी फार्मेसी फिफ्थ सेम मेन एग्जामिनेशन, जो कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है, 22 मार्च से 1 अप्रैल तक आपके एग्जाम होने वाले हैं और ये है आपकी डेट शीट।
तो ये सभी आप लोगों की डेटशीट आ गई है, ये कल आई थी बट आज जारी की गई है। सो ऑल द वेरी बेस्ट सीबीएलई यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी अपना एग्जाम काफी अच्छे से दीजिएगा और अच्छे से आपकी तैयारी हो गई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।